बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बिज़नेस मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस मैनेजमेंट रिपोर्ट। बिज़नेस मैनेजमेंट रिपोर्ट का डाटा एक्सेल के ऊपर प्रॉपर किस तरीके से बनाया जाएगा तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि इसमें कोई स्टेप्स या कोई फार्मूला या कोई कॉन्सेप्ट हो वो मिसिंग ना हो जाए आपसे और कोई प्रॉब्लम ना आपके पास, तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, अपना डाटा बनाना शुरू करते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू हमारे शीट के लिए, और इसके अलावा स्पेसिफिक जो भी डाटा आप इसके अंदर ऐड करना चाहे कर सकते हैं इसके अंदर। तो पहले हम जो रखेंगे इसके अंदर डाटा, जिसमें हमारे पास होंगे यहाँ पर सीरियल नंबर, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्लाइंट नेम, जो भी हमारे क्लाइंट नेम होंगे, और फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपना रूम नंबर, और इसके बाद यहाँ पर एडिंग आ जाएगी चेक इन डेट, यानी कि चेक इन डेट यानी कि किस डेट को हमने यहाँ पर एंट्री की है, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं चेक आउट डेट ऐड करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगेन ऐड कर देंगे टोटल डेज। तो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल डेज, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा कॉस्ट, और उसके बाद जो सेकंड वन है इसके अंदर हम ऐड करते हैं यहाँ पर कैश रिसीव्ड, एंड लास्ट वन जो होगा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सिग्नेचर। तो ये प्रॉपर इस तरीके से हेडिंग आएगी। तो कॉलम को है यहाँ से हम सेट कर लेते हैं इनके साइज को, ताकि जो हेडिंग्स है पूरी प्रॉपर इस तरीके से आपके पास सेट हो जाए। अब इसके अंदर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर जो सीरियल नंबर होंगे जितना डाटा आपको बनाना है आप उस हिसाब से डाटा यहाँ बना लें। तो फिलहाल यहाँ पर हम कुछ डाटा बना लेते हैं, कितना 5 तक हम फिलहाल रख लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट होंगे उन क्लाइंट के नेम आ जाएंगे यहाँ पर। तो क्लाइंट के नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं फिलहाल, तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ क्लाइंट के नेम, आप चाहे इनको यूज़ करना चाहें तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और एक नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और लास्ट वन जो है नाम वो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लें, तो ये नाम आ जाएंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, तो पहले तो इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ से इनको कर लेते हैं बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर, और अब आएंगे यहाँ पर रूम नंबर पे। तो रूम नंबर जो होगी वो हमारे पास इस तरह कैटेगरी में चल रही है, जैसे RC1 हो गई हमारे पास, तो इसको अब हम कर लेंगे यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉपर यानी कि सीरीज वाइज बना देगा, यानी RC1 हो जाएगा, RC2 हो जाएगा, RC3, और अगर मल्टीपल रूम नंबर चेंज करना है तो वो यहाँ पर आपको मल्टीपल लिखना पड़ेगा अगर डिफरेंट रूम नंबर सीरीज चलानी है। अब इसके बाद है चेक इन डेट। चेक इन डेट के अंदर जैसे कि आपकी जो फर्स्ट चेक इन डेट हो रही है 1 जनवरी को 2021, इसी के बाद आपने सेकेंड डेट एंट्री कर दी है 10 जनवरी 2021 हो गई है, और इसके बाद जो थर्ड एंट्री जो आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है 13 जनवरी 2021 पे आ रही है आपके पास। उसके बाद अब आपकी जो फोर्थ एंट्री आ रही है, तो फोर्थ एंट्री जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 15 फेब 2021 आ जाएगी, और लास्ट जो एंट्री है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 25 फेब 2021। तो ये तो मैं एंट्री अपने पास से कर रहा हूँ, आप जो एंट्री करना चाहें इसमें कर सकते हैं, सैंपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। अब आएंगे हम यहाँ पर अपनी चेकआउट डेट के ऊपर। तो चेकआउट डेट यानी किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो फार्मूला यूज़ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन करता हूँ कि जो हमारी आज की क्लास में जो डिस्कस हो रहा है बिज़नेस मैनेजमेंट रिपोर्ट हो रही है, तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने मैनेजमेंट रिपोर्ट के हवाले से बहुत से कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बताए हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने का मतलब ये है ताकि आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, तो क्योंकि हर वीडियो के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ताकि आप उन तमाम वीडियोज़ को वॉच करें और उसको अच्छी तरीके से लर्न करके एक प्रॉपर अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आज की वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैनेजमेंट के रिपोर्ट के हवाले से हैं। अब यहाँ आपको निकालना है चेकआउट डेट, तो चेकआउट डेट के लिए आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, और यहाँ आपने फार्मूला यूज़ करना है ई डेट का फार्मूला। ई डेट के फार्मूले के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट में आप सिलेक्ट करेंगे जो आपकी चेक इन डेट थी, उसके बाद आपने यहाँ पर लगाना है कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं मंथ, कितने मंथ बाद आपने चेकआउट किया है, तो वो आप यहाँ देंगे। तो अगर यहाँ हम फर्स्ट मंथ के हिसाब से दे रहे हैं तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1, और उसके बाद आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और अब आप यहाँ पर करेंगे इसको इंटर।
जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास डेट का फॉर्मेट चेंज आ रहा है, तो डेट का फॉर्मेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मेट आपके लिए सिलेक्ट कैसे होगा, अगर आप चाहें इसको पहले इस तरीके से ड्रैग कर लें इस तरीके से और उसके बाद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके रखें, तो यहाँ से आप चले जाएँ जनरल में चले जाएँ, यहाँ से ऑप्शन आएगा मोड नंबर फॉर्मेट पर चले जाएँ आप यहाँ से, और इसके बाद फॉर्मेट आप चले जाएँ यहाँ पर डेट के, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे होंगे, आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। जो यहाँ हमारा चेक इन डेट का फॉर्मेट है हम उसी फॉर्मेट को लेके चलेंगे, तो मैंने इस वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना ओके। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो चेकआउट डेट है वो आफ्टर वन मंथ की आ चुकी है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही थी, 1 फेब तक आ रही है, 10 जनवरी स्टार्ट हो रही है, 10 फेब तक आ रही है, तो ये आपके चेकआउट डेट है वो आपके आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ जो आपके पास है टोटल डेज है, तो टोटल डेज के लिए आप क्या काम करेंगे यहाँ पर, इसके लिए आपने यहाँ फार्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है, आपकी जो चेकआउट डेट होगी इसको आपने माइनस कर देना, किससे करेंगे चेक इन डेट से, तो इस आपने एंटर करना है, सिंपल आपने माइनस करना है और इसको एंटर कर देंगे, तो यहाँ आपके पास आ जाएंगे टोटल डेज आ जाएंगे, इसको भी आपने ड्रैग कर देना है या आप इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये टोटल डेज सबके मालूम हो जाएंगे। अब इसमें देखें 1 जनवरी से 1 फेब तक आपके बन रहे हैं यहाँ पर 31 डेज, 10 से 10 फेब 31 है, और 3 से 3 31, 15 से 15 यहाँ पर 28 पड़ रहे हैं, तो ये आपके सारे काउंट कर रहा है कि कितने आपके टोटल डेज हो चुके हैं। अब बचे यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है, तो कॉस्ट के लिए जो है वो यहाँ आपने सिंपल लिखना है कि आपकी जो रूम वाइज जो कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, तो जैसे आपने बना दी यहाँ पर 2000 है इसकी कॉस्ट है, और इसकी कॉस्ट है 1800 है इसकी कॉस्ट है, और इसके बाद इस वाले रूम की जो कॉस्ट है वो है 1500 है, और इसकी कॉस्ट जो है आपके पास 2200 बन रही है, और लास्ट वन जो है वो इसकी 1600 है। तो फॉर्मेट इसका हम सेट कर लेते हैं, तो इस पर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कॉमा, तो इस तरीके से कुछ आपके पास जो है फॉर्मेट बन जाएगा। अब यहाँ पर आएगा कैश रिसीव्ड, तो कैश रिसीव्ड के अंदर आपने क्या करना है कि आपने कितना कैश रिसीव्ड किया है, तो ये जो आपके पास कॉस्ट आ रही है रूम की, ये आपकी पर डे के लिहाज से आ रही है कि पर डे की कॉस्ट कितनी है, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी करना चाहे कम कर सकते हैं। तो कैश रिसीव के अंदर आपने यहाँ फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल लगाना है, और यहाँ आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट का फार्मूले के अंदर आपने नंबर वन वैल्यू के अंदर जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके टोटल डेज होंगे, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, और नंबर टू की बात कर रहा है तो नंबर टू के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है जितनी आपकी पर डे कॉस्ट होगी, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब यहाँ पर आपको कर देना है इंटर, तो जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कैश रिसीव्ड। तो एक दिन की जो आपकी कॉस्ट बन रही थी वो इतनी बन रही थी, तो 31 के लिहाज से अगर आपकी कॉस्ट देखी जाए तो आपकी इतनी बन गई है 62000। इसको भी हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो इससे हमें तमाम रूम या तमाम क्लाइंट के जो रूम वाइज जो कॉस्ट आ रही है जो टोटल डेज के हिसाब से वो हमें पता चल जाएगी यहाँ पर कि कितनी उनकी कॉस्ट बन चुकी है, तो हमने कितना कैश उनसे रिसीव किया है, तो ये हमारे पास यहाँ अमाउंट आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के अंदर हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो जैसे आप कोई भी सिग्नेचर करना चाहें सिग्नेचर कर सकते हैं, या आपको नेम देना है तो इसमें आप नेम दे सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मैं नेम दे रहा हूँ, अपना ही नेम दे रहा हूँ यहाँ पर, और इस नेम को मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया, और सेलेक्ट रहेंगे आप इसी कॉलम के ऊपर, इस तरीके से आपकी रेंज सेलेक्ट रहेगी, अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रहना चाह रहे हैं यानी कि एंगल वाइज 45 डिग्री में, तो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल कैसे करेंगे आप, आपने जैसे जितने रेंज के ऊपर ये काम करना है आपने सेलेक्ट कर लेना है सेल को, और यहाँ आप चले जाएंगे जो अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर देखें कॉर्नर में एक बटन होगा, बटन यानी कि एरो का निशान होगा, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो देखें आपके पास एक फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप डायरेक्टली प्रोटेक्शन पे भी जा सकते हैं, फिल पे हो या बॉर्डर पे हो या फॉन्ट पे हो या नंबर पे हो, तो आपने चले जाना है अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ देखें आपके पास ही एंगल है, डिग्री यहाँ से आप सेट करेंगे, टेक्स्ट की रोटेशन आपको नीचे की तरफ लेके आनी है, ऊपर की तरफ देखें माइनस में जाएंगे तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ टिल्ट होगा, अगर आप ऊपर की तरफ लिखना चाह रहे हैं तो देखो ऊपर की तरफ भी यहाँ पर टिल्ट हो सकता है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ 45, तो 45 मैंने यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा एंटर, तो एंटर कर दें या इसको आप यहाँ से कर दें इसको ओके। तो देखिए जैसे ही आपने ओके किया यहाँ पर तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से टिल्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो इसका जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर फॉन्ट है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ फ्रीस्टली स्टेट, तो ये थोड़ा फॉन्ट जो है आपका स्टाइलिश बन जाएगा, और अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं साइज इंक्रीज कर लें और सेंट्राइज कर दें इसको इस तरीके से, और बाकी वैल्यू को भी आप सेलेक्ट करके इस तरीके से सेंट्राइज कर दें ताकि ये प्रॉपर सेंट्राइज हो जाएगी।
अब उसके बाद आप चाहे इसके अंदर फॉर्मेट करना चाहे तो फॉर्मेट इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आपने इतने सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर से कलर चेंज कर दिया, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इस सेल का कलर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं तमाम सेल्स को। तो ये फॉर्मेटिंग देना चाहे इस तरीके से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो ये हमारी आज की शीट थी बिजनेस मैनेजमेंट रिपोर्ट के किस तरीके से बनाई जाती है, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।